जो 44वां रामलला उत्सव बड़े ही धूम से इस मंच पर मनाने जा रही है। मीडिया से संबंधित हैं शिखा राघव जी। परिवार सहित यहाँ करके ये हमारे व्यास जी हैं, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। सीता है, सीता जी हैं, ये राम जी। और सब ठीक क्या? वहाँ पे हम उन सब का इंट्रोडक्शन हो रहा है क्या? राम के रोल करते हैं वेद भैया। प्रिय बंधुओं, ये सारे भाई हमारे वो करते हैं रामलीला में पार्टिसिपेट। राणा भैया हनुमान का रोल कर रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर साल रामलीला में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो इस साल हमारे ऑफिस की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट कर रामलीला तो करूँगा, बट रिहर्सल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिहर्सल पे नहीं जा पाऊँगा, जिसकी वजह से मेरे को एक बहुत ही मेन रोल छोड़ना पड़ा। बट कोई बात नहीं, तो आज हमारी पंजाबी बाग रामलीला का भूमि पूजन है, तो आज मैं वहाँ आया हूँ, तो आप सबको दिखाता हूँ। ये भूमि पूजन है बिल्कुल ही जो पंजाबी बाग रामलीला का मेन ग्राउंड है उधर ही है। जिन लोगों को नहीं पता भूमि पूजन क्या होता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ एक बारी। जिस जगह पे रामलीला होती है उस जगह का पूजन होता है, मतलब उस जगह की पूजा करते हैं, तो उसे भूमि पूजन बोलते हैं। ग्राउंड है हमारे इन फ्रंट ऑफ ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है पंजाबी बाग वेस्ट, मतलब बिल्कुल ही 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है। चलो बंदर चले, देखिए क्या क्या हो रहा है। मेरे को लग रहा है मैं लेट हो गया शायद। और इसके साथ और भी गणमान्य महानुभाव हमारा दशहरा कमेटी से प्रभाकर जी, चोपड़ा जी, किस किस का नाम लो, किशन कुमार जी, बहुत से ऐसे महानुभाव प्रेशर जी हमारे बीच में आज। और कैसे हो आप? ये हमारी सीता है, सीता जी हैं, ये राम जी। और सब ठीक क्या? ब्लॉग बनाने वाला लेट आया है। आज लेट हो गए हम। और पूर्ण की शोभा गाना में होती है। कौशल जी परिवार सहित यहाँ करके ये हमारे व्यास जी हैं। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, मैं आपका बहुत ही अच्छा गाते हैं। रामलीला कमेटी गोर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। ये सारी म्यूजिक टीम है। अरे कुर्सी और देना भाई, ये भैया तबला बजाते हैं। हमारे बीच में ये हमारे अनुप्रिया, ये कहूँ ये जो रामलीला है ये उन्हीं के परिवार द्वारा, धन्यवाद धन्यवाद, और दयाल चंद जी के माध्यम से उनका इनके लगाया हुआ वो पौधा है। चाहे गंगा किशन जी हों, चाहे भाई सुशील गुप्ता जी हों, कैसे हो? इनका तो आप सब जानते ही होंगे, ये हमारी रामलीला के मेन आर्टिस्ट हैं। ये भैया हमारा मेकअप करते हैं, कैसे हो भैया? दीदी भी हमारा मेकअप करती हैं, बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं। और इनके बारे में तो आपको क्या ही बताऊं यार, जितना बोलूं उतना कम है। और बाकी ये सब हमारे आर्टिस्ट हैं, सारे भाई वगैरह हैं। ये भैया के बारे में बताता हूँ, ये भैया हमारे राम जी के पापा हैं।
मतलब रियल में पापा हैं, स्टेज पे नहीं रियल में पापा हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये सारे भाई हमारे वो करते हैं रामलीला में पार्टिसिपेट। ये मुकेश, ये मेरे से भी पुराना भाई है। और गंजाम जी, उनका स्वागत। इसका पता है कौन है? ये हमारे बचपन का दोस्त है। मणि, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये भाई पूरे इतने टाइम से नहीं आया, ये पिछले बार भी नहीं आया रामलीला में और आज आ गया है। ये शिवम है, बहुत अच्छा लड़का है ये भी। शिवम, क्या इस बार कर रहे हो रामलीला? सबकी यही प्रॉब्लम है, सब रामलीला करेंगे बट रिहर्सल पे नहीं आ पाएंगे। इसका भी यही प्रॉब्लम है। ये भी हमारे क्या बनते हो भैया? मेघनाथ। मेघनाथ और बहुत सारे रोल करते हैं। और आप एनएस क्या थिएटर भी करते हो ना भैया? आप कौन सा ग्रुप है आपका? फेलिसिटी थिएटर ग्रुप। फेलिसिटी थिएटर ग्रुप, बहुत अच्छा एक्टर भैया यार। ये भाई हमारा श्रवण कुमार का रोल कर रहा है। भाई आप कौन सा कर रहे हो? श्रृंगी। ये भाई हमारे श्रृंगी ऋषि का रोल कर रहा है, वो पीछे। ये राणा भैया, राणा भैया हनुमान का रोल कर रहे हैं। धर्मशाला चलना है सबको, ठीक है? ये हमारे रवि भी हैं, रामलीला के डायरेक्टर। बहुत ही अच्छे हैं यार भैया, मतलब बचपन से मैं भैया के साथ ही हूँ। ये भी बहुत नॉटी बॉय है। और आज अंजय व रामलीला का 44वां भूमि पूजन है, सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सुंदर ढंग से गौरव प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। और आप इस ब्लॉग को जब भी देखें इसको लाइक जरूर करें। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू। ये हमारे छोटे डायरेक्टर हैं, रवि भैया के बेटे। जतिन जी से निवेदन करूंगा कि हर में हमारे बड़े भाई, पुराने साथी रामलीला कमेटी के, ये सबको सम्मानित कर रहे हैं माला डाल के। ये सब कमेटी मेंबर्स हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ की, मतलब बिल्कुल ही पंजाबी बाग कमेटी के। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नियम पार्षद राकेश जोशी जी, तहे दिल से रामलीला। ये भैया रावण का रोल करते हैं, वेद भैया हमारे, बहुत ही अच्छा रोल करते हैं भैया रावण का यार। मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, सीता जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी गाय, राम जी, सीता जी, आगे आगे जी, व्यास जी आप भी साइड में आ जाइए, साथ में ये व्यास जी, ये अभी रवि भैया, हनुमान जी आप उस तरफ जाइए, सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रावण जी, राम, लक्ष्मण जी, जैसे राम रामायण की संरचना हुई, तो पीछे रावण जी हैं। कलाकारों का एक एक करके परिचय कराएंगे रवि जी। राम, लक्ष्मण, सीता जी, सबसे पहले स्वागत करिए पीछे। हमारे घनश्याम जी स्वागत कर रहे हैं और सभी कलाकार जोरदार तालियां बजाएं। लक्ष्मण जी, तू कहाँ गया है? ऑफिस गए थे यार, रिहर्सल नहीं निकल पाया। मीडिया से संबंधित हैं शिकार राघव जी, इनकी बहुत सारी रोल में आती रहती है जल्दी जल्दी। इसके बाद हनुमान जी और हमारे व्यास जी, पुनीत मीना जी आगे आ जाइए, और हिमांशी तोमर और सभी म्यूजिक डिपार्टमेंट आगे आ जाइए। ऑर्गन, तबला, पैड, ये मेकअप के लिए रवि एक बार आगे आ जाएं, जो सारी डांस टीम संभाल रहे हैं। वहाँ पे हम उन सब का इंट्रोडक्शन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि हम कब हम खाना खाएंगे और घर जाएंगे। नहीं नहीं, कितने दिनों बाद आई, कैसा लग रहा है? पेपर कैसे?
बुलाओ उसको, ये हमारे छोटे राम जी का भी सम्मान हुआ है। मध्य में हमारे आर्टिस्ट, हमारे हमारे विक्की भाई के बेटे सीता जी का सबको इकट्ठा करके लीला के रूप में मंचन करने के लिए, माला के रूप में छोटे सब कुछ यही है ना। मध्य में हम उनका स्वागत है, सारी कमेटी इनका भी सम्मान हुआ भाई। अच्छी कमेटी हमारी, अच्छी है, अच्छी है। ये तो खाना स्टार्ट हो गया है, सब खाना खा रहे हैं, स्नैक्स ठीक है, पकोड़े खा रहे हैं, पकोड़े। ये भाई भी नहीं दे रहा भोजन के पास, इतनी भीड़ है सब साइड में हो जाए। भैया बोले अभी भाई साहब भोजन के पास इतनी भीड़ है सब साइड हो जाए, कह रहे हौसले के लिए मैं इस मंच से उन्हें सलाम करता हूँ। और साथ में पंजाबी विभाग रामलीला कमेटी जो 44वां रामलीला उत्सव बड़े ही धूम से इस मंच पर मनाने जा रही है, आइए सबसे पहले श्लोक द्वारा हम रामलीला जहाँ से आरंभ होगी अपने व्यास जी से कहते हैं कि रामलीला की शुरुआत करके राम का जय घोष आरंभ करें और फिर गणेश वंदना से हम आरंभ करते हैं। हमारे बड़े भाई ने एक बहुत ही अच्छी चीज जानी है, मंत्र 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 जाना है सक्सेस होने का। क्या भाई? फेमस होने के लिए तो ये चीज करो, कुछ भी मत करो, जो कर रहे हो वही करो, मजा आ जाएगा, चिल करो, लेकिन फेमस रहोगे। ऐसी जो ब्लॉग है ना, अनुभव ज्ञान लेते रहो। मेरी आवाज आ रही है ना, सुन लेना सारे। ये अंकल कानपुर से है, गुटका चबा के बैठे बोल नहीं पाएंगे, कलाकार है। इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वैसे। आगे इसके साथ मिलती होंगी बार बार। हाँ, तो ये हरियाणा की बहुत बड़ी मतलब सुपरस्टार है, इनके बहुत सारे एल्बम्स आए हैं। नेचर बहुत ही अच्छी है, ये बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी है। आपको कैसा लग रहा है दिया अंदर? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत छोटा सा था जब मैं इसके साथ काम करना शुरू किया था, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया।
मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग अच्छी है जी, बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी है, मजा किया है और बहुत अच्छा रोल करते हैं हमारे सीता। और अभी मैं सीता के साथ ही है, तो फिर आगे आगे मिलते रहेंगे आने वाले। प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है, तेरी प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा दे तभी प्यार में और मन प्रसन्न होकर बोले जाते हैं। दिता हाई जदों में मक्खन ना दिता।